उज्जैन में हुई धोखाधड़ी की तीन बड़ी वारदात में शामिल आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में अंतर्राज्य गिरोह के चार सदस्यों को डकैती की योजना बनाते हुए पुलिस ने पकड़ा है। सभी शहर में बर्तन चमकाने के नाम पर महिलाओं को ठगा करते थे। वहीं आरोपियों के पास से लाखों रुपए के सोने के जेवरात जब्त किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आज अंतर्राज्यीय गिरोह पकड़ा है, जिसके तीन सदस्य बिहार और एक व्यक्ति गुजरात में निवास करता था। ये सारे के सारे एक दूसरे के परिचित थे और देश के अलग अलग कोनों में घूमते घटनाओं को अंजाम देते थे। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है बहुत ही सिंपल था। ये जब भी किसी टारगेट को देखते थे उसके पास जाते थे और पहले उसको ऑफर करते थे, उसके यहाँ पे जो भी कांटे के बर्तन है उनको वो चमका के या शाइन करके दिखाएंगे। तो कार्बोनेट केमिकल यूज करते थे जिसके बाद वो चमक जाता था। उसके बाद फिर वो चांदी के फाइल मांगते थे और उसके बाद फिर गोल्ड पे जाते थे। गोल्ड में खासकर वो चेन है या फिर इयररिंग है उसको मांगते थे और जैसे ही वो काम करने लगते थे उसे रुमाल में वो रखते थे पैकेट में डाल के, तो चेंज जो सामान था उसको कर देते थे। इसका आज यहाँ पे एक वीडियो दिखाया गया है। उसके बाद ये सामान वहां से लेके जिला और जो घटनास्थल उसको तुरंत छोड़ दिया करते थे। तो ऐसे लगभग इन्होंने विभिन्न प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग कस्बों में बहुत सारी घटनाएं कबूली हैं जो आसपास